पश्चिम ओडिशा रे विमान सेवा क्षेत्र रे नुआ अध्याय लोकार्पित हला झारसुगुड़ा विमान बंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहार लोकार्पण करिसेंती। एथि सहित विमान बंदर को वीर सुरेंद्र साईं को नारे नामित करा जायथिबा नै घोषणा करिसेंती मोदी। भुवनेश्वर परे झारसुगुड़ा राज्यर द्वितीय व्यावसायिक विमान बंदर परिणत होईछि। ए अवसर रे प्रधानमंत्री कहिसेंती गुजरात कच्छ जिल्ला रे केवल 5टि एयरपोर्ट थिबा बले ओडिशा रे मात्र गोटि एयरपोर्ट थिला। विलंबर हेले भी द्वितीय एयरपोर्ट हला बोली मोदी कहिसेंती। सेबिरी प्रधानमंत्री गर्जन बाहाल खोलामुह खली प्रकल्प एवं सुंदरगढ़ में एमसीएल झारसुगुड़ा सरडेगा रेल लाइन रे लोकार्पण करते। सुंदरगढ़ में एनटीपीसी दुलंगा कोईला खणी कोईला उत्पादन तथा परिवहन कार्यर मोदी शुभारंभ कर। झारसुगुड़ा उद्घाटन कार्यक्रम में जोगदे केन्द्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री सुरेश प्रभु कहते खूब शीघ्र ओडिशार राउरकेला जयपुर और उत्केलारे विमान बंदर कार्यक्षम हो। उत्सव में राज्यपाल गणेशी लाल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक केन्द्र मंत्री ज्वेलराम और धर्मेन्द्र प्रधान समेत अन्य विशिष्ट व्यक्ति जोगद। वीर सुरेंद्र साईं एयरपोर्ट पर आने वाले यात्री वीर सुरेंद्र साईं का नाम सुनते ही उड़ीसा की वीरता, उड़ीसा का त्याग, उड़ीसा की समर्पण की गाथा, उसकी तरफ भी स्वाभाविक आकर्षित होंगे। पश्चिम उड़ीसा में ये सबसे पहला एयरपोर्ट है और मुझे कहने के लिए खुशी है कि बहुत ही जल्द राउरकेला में जो उत्तरी ओडिशा है, जयपुर में जो दक्षिण ओडिशा है और उत्केला में वो भी जो दक्षिण में आता है वहां पर भी बहुत ही जल्द नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। नियमित विमान सेवा पाई लोकार्पण उत्सव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रस्ताव देखते। एयर इंडिया विमान नियमित झारसुगुड़ा उड़ाण जा सीट बलका रही वर्षे जाए बलका सीट पैसा राज्य सरकार देवे बोली नवीन कहते। या सहित कोईला रॉयल्टी वृद्धि पाई मध्य मुख्यमंत्री दावी कर। Development of this part of our state, that Jharsuguda be made into a full-fledged airport, and that Air India should see that a number of seats and this route should be done regularly, and we from the state government side are willing to support for a year a number of tickets to be reimbursed by the state government. पूर्व तालचेर सार कारखाना पुनरुद्धार प्रकल्पर शिलान्यास करते प्रधानमंत्री मोदी। ए कारखाना द्वारा 4,500 लोक कर्मसंस्थान पाइबे बोली मोदी तांक भाषण में कहवा सहित 36 मासरे से एठाकु पुणी आसी कारखाना को उद्घाटन करिबे बोली कहिथिले। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहिथिले सार कारखाना पई अनेक दिनरु दाबी थिला। तालचेर कारखानारु ओडिशावासी जेपरी 50% सार पाइबे ता उपरे गुरुत्व देबाकु नवीन अनुरोध करथिले। इस प्रोजेक्ट को, इस क्षेत्र को पुनर्जीवन प्राप्त हो सकता है क्या? लेकिन हमने संकल्प किया है देश में नई ऊर्जा के साथ, नई गति के साथ, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और उस संकल्प को पार करने के लिए ऐसे अनेकविध प्रोजेक्ट्स, अनेकविध योजनाएं, अनेकविध इनिशिएटिव, उसमें भी ऊर्जा चाहिए, उसमें भी गति चाहिए, उसमें भी संकल्प शक्ति चाहिए और उसी का परिणाम है कि करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से आज इस प्रोजेक्ट का पुनरुद्धार का कार्य यहां प्रारंभ हो रहा। इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए ये रोजगार का भी बड़ा अवसर है। करीब 4,500 लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट में जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि प्रोडक्शन की डेट बताइए। उन्होंने मुझे 36 महीने बताया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 36 महीने के बाद मैं फिर से यहां आपके बीच आऊंगा और उसका उद्घाटन भी आपके बीच करूंगा। फ्रॉम दिस प्लांट इट इज एक्सपेक्टेड दैट द अवेलेबिलिटी of urea to the farmers of the state will improve, which would help in increasing the crop production, thereby contributing to the growth of agriculture.
This plant will also promote alternative use of coal in an environment-friendly manner. Farming in Odisha is predominantly rice-based. This requires more use of fertilizers, especially urea. As there is no urea plant in the eastern part of India, Odisha is getting urea from plants in Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, and Maharashtra. This involves long-distance transport, which causes delay in availability and also scarcity at times. Talcher fertilizer plant ru amaro chasi bhai mane bishesh subidha paiba darkar. Amaro chasi bhai mane je pari ehi plant ru utpadito urea ro 50% pai paribe seti prati drushti debaku mu manyabar pradhanmantri ku anurodh karuchi.